Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. मुझे लग रहा है कोई एनर्जी नहीं है मेरे अंदर. एक बार फिर करती हूँ. Assalamualaikum everyone. शायद तो अभी आपको मेरी आवाज़ से थोड़ा लग रहा होगा कि आई एम सो नॉट सो लेकिन अ लिटिल टायर्ड. लेकिन मैंने ओहो हाँ जी, तो मैंने ख़ुद से प्रॉमिस किया था कि मैंने YouTube के साथ कंसिस्टेंट हो जाना है एंड आई विल अपलोड वीडियो एटलीस्ट एवरी अल्टरनेटिव डे. तो लेकिन आज हर रोज़ काम करने के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ भाई. तो मैं बट आई हैड टू गो समवेयर, मे बी अ शादी और अ पार्टी. तो मैंने सोचा कि मैं मेकअप कर लेती हूँ और उसकी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे चैनल एनालिटिक्स ये बताते हैं कि 80% जो है वो मेरी वीडियोस लड़कियाँ देखती हैं. तो मेकअप वीडियो इज़ ऑलवेज अ गुड ऑप्शन. सो तो मैं आपको मेकअप के एंड भी बताऊंगी कि वेयर आई एम गोइंग टुडे, और उसका व्लॉग भी आपके साथ शेयर किया जाएगा. So, keep watching the video. और अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो लेट्स गो. और जो आज मैं मेकअप करने वाली हूँ ना, ऐसा मैंने पहले कभी नहीं किया. मतलब मैंने आई शेडोज मुझे बिल्कुल करनी नहीं आती, मैंने कभी की नहीं है. सो आई ट्राई टू डू एंड देखते हैं कि मैं उसको कैसे कर पाती हूँ. सो कीप वॉचिंग. जी तो जनाब, मेकअप शुरू करने से पहले मैं अपने फेस पे जो थोड़ी बहुत ऑयल है उसको साफ़ कर देती हूँ. थोड़ी देर पहले मैंने अपना फ़ेस वॉश किया था और कुछ भी मेरे फेस पे एक्चुअली नहीं है, तो बट फिर भी जस्ट फॉर प्रिकॉशंस. और अगर आप मेरे से इस दिस ग्लोई स्किन का राज पूछना चाहते हैं, अगर मेरे नेक्स्ट वीडियो के नीचे 10 कमेंट्स आए कि शेयर योर स्किन केयर रूटीन, तो मैं अपनी स्किन केयर रूटीन भी ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों से. तो फॉर्मेलिटी पूरी करके तो इसको मैंने साफ़ कर लिया. और आज की जो वीडियो है इसमें मैंने डिसाइड किया है कि मैंने अपने फेस के साथ सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं जो कि सारे यूट्यूबर्स, मेकअप ब्लॉगर्स एंड वीलॉगर्स वगैरह करते हैं और जो मैंने आज तक कभी नहीं किए. तो सबसे पहले मैं अपने बाल जो है वो बांध लेती हूँ ताकि मुझे मेरे बाल तंग ना करें. और उसके बाद नेक्स्ट थिंग इज़ अगेन माय ऑयल. और ये बाहर आपको तूफ़ान की आवाज़ें आ रही होंगी, बाहर बहुत तेज़ हो रहा है, समथिंग समथिंग गरज चमक के साथ बारिश हो रही है. और अगर आप समर्स में बाहर जा रहे हैं तो डोंट पुट दिस ऑयल. अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये तो एवं मैं शोखियाँ मारने के लिए यूज़ कर रही हूँ इसके अंदर वीडियो के, बट समर्स में मैं ये बिल्कुल भी नहीं लगाती क्योंकि ये मेरी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होता. मेरी स्किन ऑलरेडी बहुत ऑयली है, लेकिन इसको लगा के जो स्मूदनेस आ जाती है ना, मैं क्या जी कमाल. तो इसको एब्जॉर्ब होने देते हैं कुछ 2 मिनट्स, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर प्राइमर लगाऊंगी. ओके तो वो हो गया एब्जॉर्ब, अभी भी इतना अच्छा नहीं हुआ. और ये मैं अपना स्विस इमेज का जो है सीरम यूज़ कर रही हूँ इसके बाद. ये इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है, इफ़ यू आर एबल टू सी, कि ये एज अ प्राइमर भी काम करेगा. तो दिस इज़ अनदर सीरम दैट आई एम गोना यूज़. और इसको लगाने के बाद मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरा फेस जो है ना वो मलाई नहीं हो गया, कुछ मलाई मलाई वाली फीलिंग आती है. ओके तो वो सीरम लगाने के बाद आप देखें कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे फेस को बहुत ज़्यादा कवरेज की ज़रूरत नहीं है. और टू बी ऑनेस्ट, मेरी इस वक्त मेरे पास कोई थिक फाउंडेशन या केकी फाउंडेशन वगैरह है भी नहीं क्योंकि मैं वो यूज़ नहीं करती. तो हेयर आई हैव 1 पम्प ऑफ ग्लो एंड पिंक की, ये है
बेबी क्रीम और मेरी दूसरी वाली ख़त्म हो गई थी तो आई कुडंट बाय अ न्यू वन. इससे मैं अपने पूरे फेस को कवर कर लूँगी और बाकी जो कसर रह जाएगी वो मैं अपने फेस पाउडर से पूरा कर लूँगी. तो जिन जिन एरियाज़ पे आपको लगता है कि आपको ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ पे इसको लगाइए और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें. तो मैं इसको अच्छी तरह से पूरे फेस पे लगाऊंगी और उसके बाद अपने ब्लेंडर ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करने की आपको दिखाती हूँ. तो काफ़ी हद तक ये जो बीबी क्रीम है ये ब्लेंड हो गई है. अब मैं करूँगी अपने फेस की कॉन्टोरिंग. और आज की जो वीडियो का सबसे मज़ेदार पार्ट है दैट्स गोना बी आई शेडोज, क्योंकि मैं करने वाली हूँ पर्पल आई शेडोज और पता नहीं वो मुझसे हो पाती हैं या नहीं, शायद मैं कोई भूत लगने वाली हूँ. ये मैंने अपनी कॉन्टोर लाइन्स जो हैं वो लगाई नहीं है, पता नहीं इस पर इतनी क्लियर क्यों नहीं दिख रही, बट I'll just dab 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 और इसको अच्छे से blend it out. Look at the cuts, guys. तो while applying your face powder, don't forget your neck. हमेशा ये मैं आपको repeat करती हूँ. तो यू कैन सी कि मेरी बेस की फिनिश कितनी ड्यूई हुई है एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक. ओके जी, तो अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स आईज जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ, विश मी लक. तो यहाँ पे मेरे पास rivaj.uk की आई शेडोज हैं और इससे मैं कोई सा भी, ये इसकी बेस कलर का पैलेट है जिसको मैंने अभी तक टच भी नहीं किया. टुडे आई एम गोना टच इट. सो मैं कोई बेस कलर लूँगी, ब्राउन और समथिंग. ओके, मैं ये वाला ले लेती हूँ, लाइट ब्राउन. इफ यू कैन सी. और इसको मैं लगाऊंगी अपनी क्रीज पे एज अ बेस कलर, सो जस्ट टू गिव इट अ इक्वल लुक. So you can see the base color is done and now from the same palette I'm gonna take black और इसको मैं अपने corners पे लगाऊंगी. और मुझे जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल blend करना नहीं आता, तो मैं इसको लगा के blend करके तो आपको दिखाती हूँ. जस्ट blend 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 जैसे कि सब ब्लॉगर्स कहते हैं. तो let me blend. आपने इससे ज़्यादा नाड़ी बंदा YouTube पे नहीं देखा होगा. तो इसको बर्बाद और फिर आबाद करने के बाद आई थिंक मैं इसका कॉर्नर बनाने में कुछ हद तक कामयाब हो गई हूँ. तो इट्स अ प्रो टिप के जब आपका ख़राब हो जाए तो इस क्यूटिक की इसकी मदद से आप साफ कर सकते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ. और ये आपको कोई भी नहीं बताएगा अपने राज की बात. तो थोड़ा सा ब्लैक लगाने के बाद मैं ये जो गोल्डन शिमरी सा कलर है, नॉट गोल्डन एक्चुअली इट्स कॉपर, इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ताकि जो बिखरावा मैंने बखेरा है वो थोड़ा ठीक हो जाए. जी तो जनाब, जो मैंने खरारा डाला था वो मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक ठीक कर लिया है, बिकॉज पर्पल आई मेकअप इज़ सो ट्रेंडिंग दीज डेज. तो मैं ब्लैक के साथ पर्पल का कॉम्बो कर रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, करके देख लेते हैं. और अगेन ब्लेंड 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 ब्लेंड, इन दोनों को आपने अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ ब्लेंड कर देना है, जो कि मैं करती हूँ और उसके बाद आपको मिलती हूँ. कैसा लग रहा
क्या कह रही हो? ओके सो स्मोकी जो है, जो भी इसको कहते हैं, इट्स डन। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा गोल्डन लगाऊंगी ताकि ये अच्छी तरह शिमरी हो जाए। हाय ज़्यादा लग गया, इसको ठीक करती हूँ। ओके जी तो जनाब, आई शेडोज लगाने के बाद अब बारी है काजल लगाने की। इसको लगा के तो स्मज कर लें करीना कपूर वाला काजल और आपकी स्मोकी आईज रह रही हैं। लगाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ओके ये इसको, इसके ऊपर काजल भी मैंने लगा लिया है। और ये करने के बाद एक बार फिर से जो मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है ना, मैं उसका कोट करूँगी अपने पूरे फेस पे, क्योंकि जो अगर एक्सेसिव आई शेडोज इधर उधर आपके फेस पे गिरी हुई हैं तो वो भी उतर जाएंगी और ये अच्छा लगेगा। सो राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मस्कारा, और आपने भर भर के मस्कारा लगाना है 32 कोट्स, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, और फिर उसके बाद आपको फेक आई लैशेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके सो इन तो विद दिस हैवी आई शेडोज आई एम गोइंग फॉर दिस वेरी लाइट पिंक ब्लश ऑन, और इसको लगाकर आपको न्यूड सा ही इफेक्ट आता है, यू डोंट लाइक फील सो हैवी। और जब भी आप हैवी आई शेडोज लगा रहे हो ट्राई टू हैव हल्का सा लाइट ब्लश ऑन, इससे आपको हैवी लुक नहीं आएगी। पीपल ऑल्सो गो फॉर रेड लिपस्टिक विथ स्मोकी आईज, लेकिन आई एम जस्ट गोना हैव अ न्यूड वन। सो ब्लश ऑन इज डन, अब मैं लगाती हूँ लिपस्टिक। सो विद दिस पिंकिश लिपस्टिक मैं अपने लिप्स को शेप दे लूंगी, क्योंकि एंड देन आई अप्लाई दिस मेबली न्यूयॉर्क की 135 न्यूड, नॉट न्यूड, थोड़ी डार्क न्यूड टाइप लिपस्टिक। So after this, I am just gonna apply this highlighter. क्योंकि मैं golden dress पहनी हुई हूँ तो I'll go for golden. Apply as much as you want. Okay, so this is the final look. यहाँ से मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। Anyways, it's my first try. मैंने इससे पहले कभी smokey eyes makeup नहीं किया, तो आपने देख के मुझे ज़रूर बताना है कि आपको कैसा लगा। आई एम सो टायर्ड, ये कोई इतना आसान काम नहीं है। मैं उन लोगों को सल्यूट करती हूँ जो सारे मेकअप ब्लॉगर्स बन के बैठे हुए हैं। इट्स अ वेरी टफ टास्क और मे इट्स नॉट एट ऑल माई कप ऑफ टी, तो आई मे बी नॉट डूइंग इट अगेन, बट मे बी शायद ऐसे मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे मज़ा आया। तो अभी मैं आपको पिक्चर्स खींच के दिखाती हूँ कि पिक्चर्स में कैसा लग रहा है। तो एक्चुअली ये सारा मेकअप मैंने आप लोगों की खातिर एक ट्यूटोरियल बनाने के लिए किया था। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि कोरोना है, सो स्टे होम स्टे सेफ। और इसको साफ करने में कितना टाइम लगेगा यार, अ टायरिंग जॉब। सो आई एम लाइकिंग इट अ लॉट, आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड। अगर आपने किसी पार्टी पे जाना है तो आप इसको कर सकते हैं। सो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।